आज डेट है हमारी 9 जुलाई, एक्सरसाइज कौन सी है 4D। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। पहले ये देखते हैं एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स होता है कोई रेशनल नंबर है उसमें वो कोई और रेशनल नंबर ऐड करूं मैं तो मेरा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स का मतलब किसी रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर ऐड करे और आंसर क्या आना चाहिए, 0। मतलब कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर पहला पार्ट है आपका 2 में क्या ऐड करोगे कि आंसर 0 आ जाए, -2 ऐड कर देंगे। मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। -7 में क्या ऐड करोगे, 7 ऐड कर देंगे, तो 7 क्या है, एडिटिव इनवर्स। 3/7 में -3/7, -11/13 में +11/13, -19/5 में 19/5, यही होता है ना, प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 बन जाएगा। क्लियर है, बाकी पार्ट आप देख लो। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, -31/-23, ये है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। मतलब क्वेश्चन क्या है, 31/23, इसमें क्या ऐड करोगे, -31/23 ऐड करेंगे तब क्या आएगा, 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सब्ट्रैक्शन द फॉलोइंग। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/6 फ्रॉम 7/6। पहला स्टेप क्या होता है, जो फ्रॉम के आ गया उसको लिखते हैं पहले 7/6 -5/6। पहला सेकंड स्टेप डिनोमिनेटर को सेम करना, डिनोमिनेटर सेम है 6 तो क्या आ जाएगा, 7-5। 7-5 क्या होता है, 2/6, 1 × 3 क्या आ गया मेरा, 1/3। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 6/13 फ्रॉम -11/13। फ्रॉम्स के जो आगे होता है वो पहले लिखा जाता है, -11/13 -6/13। एलसीएम क्या आएगा आपका, 13 -11 -6, -- क्या होता है, प्लस, तो क्या आ जाएगा आपका, -17/13। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखो, 1/1/2। 1/1/2 का मतलब क्या है आपका, 3/2। 1 × 2 = 2, 2 + 1 = 3। 7 और 3, 7 × 3 = 21, 21 + 1 करोगे तो क्या आएगा, 22। फ्रॉम 22/7, फ्रॉम के आगे जो डिजिट है वो पहले लिखी जाएगी, 22/7 -3/2। एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 × 2 = क्या होता है, 14। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 44 -7 से किया है यहाँ पे तो न्यूमिनेटर में भी 7 से, 7 × 3 = 21 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 23/14। क्लियर है, बाकी पार्ट आप ट्राई करना, नहीं होते डाउट क्लास में सोल्व करेंगे, हार्ड कोर करा दे दो। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, फाइंड द डिफरेंस। मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। पहला पार्ट है -3 -7/9, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है क्या मानते हो, 1। 1 और 9 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 9। 1 में क्या मल्टीप्लाई किया है, 9, तो न्यूमिनेटर में भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 9। -3 × 9 क्या होता है, -27, -7। क्लियर है, -- क्या होता है, प्लस, प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 34। साइन माइनस का आपका आंसर क्या आ गया, -34/9। सेकंड पार्ट देखो, 16/15 -3/20। पहले दोनों डिनोमिनेटर का अलग अलग है तो एलसीएम लूंगी। एलसीएम जब लोगे 15 और 20 का तो एलसीएम क्या आएगा आपका, 60। एलसीएम लेना आता है आपको, 60 एलसीएम है तो यूं देखो, 15 में क्या मल्टीप्लाई किया कि 60 आया, 15 में मैंने मल्टीप्लाई क्या किया है, 4, तो न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करोगे, 16 × 4 = क्या होता है, 64। क्लियर है। 20 में क्या मल्टीप्लाई किया है, 3, तो न्यूमरेटर में भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 3, तो 3 × 3 = क्या होता है, 9। ये स्टेप क्लियर है, 64 - 9 कहां से आया, 64 - 9 क्या होता है, 55/60। 5 की टेबल से कैंसिल आउट करें, 11 1 × 2 = आंसर आपका 11/12। बाकी पार्ट आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत होगी डाउट सेशन में क्लियर करेंगे।